डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश के क्लास में स्वागत है। हम टॉपिक पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहले बताया जा चुका है कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और आपको ये भी बताया गया था पिछली क्लास में कि एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का, तो उसमें मेनली हम 5 चेंजेस करते हैं और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले आपको बताया था कि आप जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसे आप सब्जेक्ट बनाते हैं। सेकंड, जो भी आपके टेंस है उस टेंस के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। थर्ड, हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही आपको यूज़ करना है। फोर्थ, इसके बाद आप बाय लगाते हैं। और फिफ्थ, आपके यदि सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस में दिया गया है उसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिख देते हैं। आपको ये भी बताया गया था कि एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम 4 टेंसों के पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। वो 4 टेंस आपको बताए थे, जिनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस थे। इन 4 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। बाकी जो आपके 8 टेंस हैं उनके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं वो आपको इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है कि प्रेजेंट सिंपल यदि आपके टेंस है तो आप उसका पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर हमने प्रत्येक टेंस की पढ़ ली थी, क्योंकि जब हमने टेंस किया था तो उस समय हमने एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर उस समय सभी टेंसों में पढ़ ली थी। यहाँ पर मैं आपको पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यदि आता है तो आप उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है उसे सबसे पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय एज एम आर का यूज करेंगे। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद सेंटेंस में बाय लगाएंगे। जो आपको सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में दिया गया है सब्जेक्ट उसे आप पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट में बदलकर लिख देंगे। और यदि आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस आता है तो सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसे सबसे पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में इज एम आर, इनके साथ आप बीइंग का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। बाय लगाकर जो सब्जेक्ट दिया गया है आपको सेंटेंस में उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिख देंगे। और यदि इसके बाद भी कुछ चीज़ है, ETC एटसेट्रा है, तो आप उसे अंत में लिख देते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट का आपके कोई सेंटेंस आता है तो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसे सब्जेक्ट बनाकर सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ बीन लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है उसे ऑब्जेक्ट में बदलकर लिखेंगे। और अंत में एटसेट्रा। पास्ट सिंपल का यदि कोई सेंटेंस आता है तो आप जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है उसे लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, इन दोनों का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, जैसा आपको बताया जा चुका है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। इसके बाद आप बाय लगाएंगे, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में बदल कर लिख देंगे। और अंत में जो कुछ बचा है इनके अलावा एटसेट्रा, वो लगा देंगे। इसके बाद यदि आपके पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस आता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस में जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिया है उसे सब्जेक्ट में चेंज करके सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और सब्जेक्ट में
सेंटेंस में आपको जो भी सब्जेक्ट दिया है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिख देंगे और अंत में यदि कुछ बचा है तो उसे लिखेंगे। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आता है तो आप सबसे पहले सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसे सब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और जो सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिया है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे और अंत में आपको इनके अलावा यदि कुछ बचता है तो वो लिखना है। इसके बाद यदि आपके फ्यूचर सिंपल टेंस का कोई भी सेंटेंस आता है तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस में जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है उसे सब्जेक्ट में चेंज करके सबसे पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद बाय लगाएंगे और सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिख देंगे और अंत में इनके अलावा यदि कुछ है तो उसे आप लिख देंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यदि कोई सेंटेंस आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल कर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन शैल हैव बीन इनका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद बाय, और सेंटेंस में जो आपको सब्जेक्ट दिया है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे और अंत में आपको इनके अलावा जो कुछ बचता है वो आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से हमारे 8 टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं और इनके पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर यूज़ होती है ये आपको यहाँ चार्ट में दिखाई गई है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसा आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि यदि कोई भी टेंस आपको दिया गया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उससे अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस में हमने इज एम आर, इट मीन्स यहाँ पर हमने नेक्स्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती है और प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर इसमें लगाई है। लेकिन जिन टेंस में कंटिन्यूस आता है उन टेंस में हम सेम हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, इन दोनों टेंसों में वाज और वर हेल्पिंग वर्ब आती है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आती है। तो जब इनका हमने पैसिव वॉइस बनाया तो इज एम आर यूज़ की और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का बनाया तो वाज वर यूज़ की, लेकिन इनके साथ हमने बीइंग को जोड़ दिया है। बाकी इन 6 टेंसों में प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस को छोड़कर बाकी जो 6 टेंस बचे हैं उन 6 टेंसों में हमने पैसिव वॉइस बनाते समय अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू वेरी मच।